అయగ్రలేసి శోభనం కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పెళ్లికొడుకు గదికి వచ్చినట్టు వచ్చారు। दोस्तों जब से KGF RRR जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हुई है, सभी चाहते हैं कि ब्लॉकबस्टर स्टार महेश बाबू भी पैन इंडिया रिलीज हो जाए। उनकी आने वाली फिल्म SVP पैन इंडिया रिलीज नहीं है। इस बात का दुख दर्शकों को है क्योंकि हिंदी में भी सब उन्हें अब देखना चाहते हैं। खबरों की माने तो SS राजामौली के साथ अगली फिल्म करेंगे महेश बाबू और वो होगी पैन इंडिया रिलीज, और इस पर अपनी चुप्पी खुद महेश बाबू ने अब तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महेश बाबू के बारे में सवाल किए जाने पर SS राजामौली ने कहा, मैं मेरी किसी भी फिल्म के अनाउंसमेंट ऐसे इंटरव्यूज में नहीं करता। अगली फिल्म क्या होगी, कैसे होगी, वो आपको मालूम पड़ेगा, तो ऐसे नहीं, वो एक धमाके के साथ मालूम पड़ेगा कि कौन सी फिल्म है, किसके साथ है। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो शानदार तरीके से महेश बाबू के साथ ही पेश आने वाले हैं, और इस फिल्म के अंदर महेश बाबू एक जंगल के रक्षक बनेंगे, जहाँ पर जंगल की जो सीमाएँ हैं उस पर शहरी कब्जा होने से महेश बाबू रोकेंगे। इस फिल्म के अंदर दमदार एक्शन इमोशन होंगे, और ये मल्टी स्टारर नहीं बल्कि स्पेशल महेश बाबू एक्शन सीक्वेंस मूवी होगी। कितने एक्साइटेड है आप महेश बाबू की फिल्म SVP को देखने के लिए, साथ साथ SS राजामौली के साथ देखने के लिए? कमेंट बॉक्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, देखो देखो।